रेकेबा आपका स्वागत है। सोलन में बागवानों और किसानों के साथ अब किसी भी तरह की ठगी नहीं होने दी जाएगी। जो भी आढ़ती ठगी करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कहना है एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप का। सोलन में बागवानों और किसानों के साथ अब किसी भी तरह की ठगी नहीं होने दी जाएगी और जो भी आढ़ती ठगी करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कहना है एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप का। कश्यप ने बताया कि प्रमाणों और सोलन मंडी के कुछ आढ़ती पिछले काफी समय से बागवानों और किसानों की बकाया राशि देने में आनाकानी कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने एपीएमसी का शुल्क भी जमा नहीं करवाया है, इसलिए उनके खिलाफ प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ताकि किसी भी बागवान और किसान के साथ धोखा न हो। एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने बताया कि परमाणु और सोलन मंडी के 36 आढ़तियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इन आढ़तियों पर बागवानों और किसानों के करीबन 55 लाख रुपए बकाया है। यही नहीं, इनमें से कुछ ने एपीएमसी का करीबन 20 लाख रुपए निशुल्क भी अदा करना है, इसलिए इन आढ़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों और बागवानों के साथ किसी भी तरह का धोखा अगर आढ़ती देता है तो उसके खिलाफ इसी तरह से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी भी सूरत में डिफॉल्टर आढ़तियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार बागवानों के किसानों के हितों के लिए बिल्कुल चिंतित है, बहुत गंभीर है और कोई भी स्टेप उठा सकती है और कठिन से कठिन डिसीजन लिए जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। और ये पीएमसी को हिदायत दी गई है कि सख्ती से काम करें और जो हमारा अधिनियम है हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन अधिनियम 2005 उसको सख्ती से लागू करें। और इसी के अनुसार हमने जिन लोगों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं किया है, जिन्होंने एपीएमसी को उनकी मार्केट शुल्क नहीं दी है, या वो आढ़ती या व्यापारी जो किसी तरह से हमारे नजरों में दोषी हैं, हमने उनका पंजीकरण उनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल रोक दिया है और हमने इसकी शिकायत इसकी एफआईआर पुलिस में भी कर दी है। और अगर आने वाले दिनों में भी कोई आढ़ती व्यापारी इस तरह का काम करेगा तो एपीएमसी उसको उसकी इस कार्यप्रणाली को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हम बिल्कुल 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 गंभीर हैं। हमने दोनों हमारी जो मुख्य मंडी है सोलन और जो कि भारतवर्ष की पहली मॉडल मंडी है और हमारी टर्मिनल मंडी परमाणु है, वहाँ से हमने 36 लोगों की एफआईआर कर रखी है जो कि दोषी घोषित किए हैं हमारी नज़रों में, जिन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है या यूपीएमसी के साथ धोखाधड़ी की है। यूपीएमसी का शुल्क नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा लगभग 15-20 लाख के आसपास होगा, क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है लेकिन अंदाज इतना है। लेकिन किसानों की हमने 1 करोड़ से भी अधिक का भुगतान करा दिया है। अभी भी 55-56 लाख जो हमारे पास शिकायतें हैं, इतना भुगतान करना शेष है, उसके बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।